हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम बनाएंगे बहुत ही माउथ वाटरिंग हेल्दी उड़िया रेसिपी छेना पोड़ा। ये उड़ीसा की बहुत ही लोकप्रिय डेजर्ट रेसिपी है। हम यहाँ पे बिना माइक्रोवेव के बेक करेंगे ताकि आसानी से सभी व्यूअर्स इसे बना सकें। अगर अभी तक आपने पैन टू प्लेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलिए मेरे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमने यहाँ पे 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। हम इसे मध्यम आंच में गर्म कर लेंगे। तो देखिए दूध उबलने लगा है। हमने यहाँ पे इसे मलाई नहीं बनने दिया है, तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहे हैं। अब इसमें हम 2 नींबू के रस डाल लेंगे और थोड़ा मिला देंगे और आंच को हमें यहाँ पे धीमा रखना है और दूध को कर्डल होने देंगे, यानी कि फटने देंगे। तो देखिए दूध फट चुका है पूरी तरीके से। इसका जो पानी है वो अलग हो चुका है, यानी कि जो इसका वे है वो अलग हो चुका है। अब आंच को हम बंद कर देंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे बाउल लिया है, उसके ऊपर हमने छन्नी रख दी है और चीज क्लॉथ इस तरह से हमने फैला दिया है। अब फटे हुए दूध को हम ट्रांसफर कर लेंगे। हम छेने में थोड़ा सा पानी रहने देंगे, छेने को पूरी तरह से ड्राई नहीं रखना है। अब हम छेने को ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पर छेना बहुत ही ज़्यादा गर्म है। हम छेने के पानी को, यानी कि जो वे है, उसे 1 बड़ा चम्मच हम निकाल लेंगे और बाकी का जो बचा पानी है उसे हम फ्रिज में रख देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। छेना अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। इसमें हम 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर, 1 कप शक्कर, 4 टेबलस्पून सूजी डालकर मिला लेंगे अच्छे से। हमें यहाँ पे इसे मसल मसल के गूंदना है। साथ ही साथ हम शक्कर को भी घूलने देंगे छेने के अंदर। हमने छेने को बहुत ही अच्छे से मैश किया है और मसल मसल के मुलायम कर लिया है और शक्कर भी अच्छे से घुल चुकी है। अब हम 2 टेबलस्पून छेने का पानी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इससे छेना फ्लफी हो जाएगा। देखिए छेना इस तरह से मूव होना चाहिए, तो ये एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब हम इसमें काजू बादाम डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के डाल सकते हो और इसकी मात्रा कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो छेने को 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इसी बीच हम एल्यूमिनियम के बर्तन में 1/2 किलो नमक डालेंगे। ये आयोडाइज नमक है, जो नमक हम डेली यूज़ में खाते हैं, चाहे फिर वो कोई भी ब्रांड का हो। और नमक को हम अच्छे से फैला देंगे। अब हम यहाँ पे स्टील का स्टैंड रख देंगे और ढक कर तेज आंच पर 15 मिनट तक इसे हीट करेंगे। जब तक नमक गर्म हो रहा है, हम एल्यूमिनियम मोल्ड को घी से ग्रीस कर लेंगे। तो हमने एल्यूमिनियम मोल्ड को ग्रीस कर लिया है। अब मोल्ड के ही साइज़ का हमने बटर पेपर कट कर लिया है और इसे हम मोल्ड के बेस पर रख देंगे इस तरह से, और इसके जो एजेस हैं उस पर भी बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर लगाने से ये होगा कि छेना पोड़ा बहुत ही आसानी से निकल आएगा बाहर, ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। हमने बटर पेपर के ऊपर भी अच्छे से घी लगा लिया है, तो ये तैयार हो चुका है। अब छेना पोड़ा के ऊपर 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और इसे हम मिला लेंगे। ये घर का बना हुआ घी है। अब छेना पोड़े का जो बैटर है वो हम ट्रांसफर कर लेंगे मोल्ड में। तो मोल्ड में छेना पोड़ा ट्रांसफर कर लिया है। अब फिर से 1 टेबलस्पून भर कर घी डालेंगे और छेना पोड़ा को बेक कर लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, ये प्री हीट हो चुका है। अब मोल्ड को हम रख देंगे स्टैंड के ऊपर।
और तेज आंच पर 20 मिनट तक हम इसे बेक कर लेंगे। तो इसे हम ढक के रख देते हैं। तो अब करीबन 20 मिनट हो चुके हैं, हम छेना पोड़ा को चेक कर लेंगे। वाओ, इसकी जो ऊपरी परत है काफ़ी अच्छी आई है, इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा आया है। अब हम इसे घी की थोड़ी सी ब्रशिंग कर लेंगे ताकि ये ड्राई सा ना हो, मॉइस्ट रहे। अब 10 मिनट के लिए फिर से हम इसे ढक के रख देंगे और तेज आंच पर इसे बेक कर लेंगे। तो एग्जैक्ट 30 मिनट हो चुके हैं, हम देख लेते हैं छेना पोड़ा की कंडीशन क्या है। एकदम परफेक्ट, वाओ कितना अच्छा लग रहा है। इसका जो क्रस्ट है वो काफी अच्छा आया है। अब हम मोल्ड को बर्तन से निकाल लेंगे और गैस ऑफ कर देंगे और छेना पोड़ा को ठंडा होने रख देंगे। तो छेना पोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे, छुरी की सहायता से इसके एजेस को थोड़ा फ्री कर देंगे और छेना पोड़ा को हम डीमोल्ड कर लेंगे। वाओ, देखिए कितने आसानी से निकल आया है। अब बटर पेपर को हम निकाल लेंगे। छेना पोड़े के जो साइड है उसका क्रस्ट काफी डार्क ब्राउन सा आया है। इसे ऐसे ही ओवर बेक किया जाता है ताकि काफी क्रिस्पी से साइड बने और ये बीच में काफी मुलायम सा है। तो छेना पोड़ा तैयार हो चुका है, इसे हम काट के देख लेते हैं। वाओ, काफी माउथ वाटरिंग है और इसकी जो खुशबू है उसका तो क्या कहना। ये बहुत ही हेल्दी केक है क्योंकि छेना पोड़ा में काफी प्रोटीन की मात्रा होती है, साथ ही साथ कैल्शियम की भी, और सूजी भी बहुत ही हेल्दी होता है और नो डाउट घी भी। आप यहाँ पे शुगर फ्री का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उड़ीसा का बहुत ही प्रसिद्ध छेना पोड़ा केक तैयार हो चुका है। आई होप आई हैड गिवन जस्टिस टू दिस केक। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको छेना पोड़ा पसंद आया होगा। आप जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ।